भारत में कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी मंद पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के कुल 2,11,275 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि कोरोना से हो रही मौतों का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। एक दिन में 3,841 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के अंदर कुल 2,82,924 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इसी के साथ अब देश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 24,15,761 पर आ गए हैं। वहीं अब कोरोना से संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,46,26,000 से ऊपर पहुंच गया है। तो वहीं अब तक इस संक्रमण ने देश में 3,15,263 लोगों की जान ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के बाद भारत कोविड-19 टीकों की 20 करोड़ से अधिक खुराक लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। मंत्रालय ने बताया कि भारत ने 130 दिन में यह टीकाकरण पूरा किया, जबकि अमेरिका ने 124 दिन में लोगों को टीका लगाया। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।